गाइस वेलकम यू ऑल इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो एनपीटीएल का एग्जाम है जो होने जा रहा है आपका, आप में से काफी सारे लोग नए होंगे, कई पुराने होंगे, तो क्या आपको ये जो दोनों सर्टिफिकेट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों सब्जेक्ट एक रात के अंदर मैंने पढ़ के ये नंबर गेन किए हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ आपको। और ये मैंने कैसे किया ये भी वीडियो में बताऊंगा, कैसे क्या सारी चीजें आपको करनी है कि एक दो दिन की मेहनत में आपको एलाइट बटन मिल जाए, एलाइट अवार्ड मिल जाए, सिल्वर मिल जाए या गोल्ड मिल जाए। तो करें स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपका आई थिंक आप सभी ने असाइनमेंट तो कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पता है क्राइटेरिया कि 25% आपका असाइनमेंट से, 75% आपका कहाँ से ऑनलाइन एग्जाम जो आप देख के आने वाले हो। तो आपकी होल टिकट आ गई होगी या नहीं आई होगी, तो आने वाली है पहली बात तो। और होल टिकट में आपको एक एड्रेस दे रखा होगा, वो आपका एग्जाम सेंटर है जहाँ पर आपको जाके एग्जाम देना है, ठीक है। अब ये एग्जाम एक तो मॉर्निंग में चलता है, एक चलता है आपका इवनिंग में। मॉर्निंग में कब होगा? 9 से 12, आप अपना टाइम स्लॉट देख लेना अपनी होल टिकट के अंदर। एक होता है 2 से 5। अब इसमें ऐसा है कि आप 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे का जो ड्यूरेशन है तब तक आपको बैठना पड़ेगा, उसके बाद आप एग्जाम से लीव कर सकते हो सबमिट करके। अदरवाइज आपको 3 घंटे पूरे मिल रहे हैं, वो 3 घंटे भी आप बैठ सकते हो, ठीक है। एक आपका 2 से 5 होगा, तो उसके अंदर आपके स्लॉट के अकॉर्डिंग जाना होगा आपको। अब दूसरी बात यह है कि जो आपका है ना, जो आपका सेंटर आया है एग्जाम का, वो आपका 20 से 25 किलोमीटर जो आपका घर है उसकी रेंज के अंदर अंदर जो आपकी कॉलेजेस हैं उन्हीं कॉलेज में आपका सेंटर आया होगा, इससे ज़्यादा किलोमीटर में नहीं आएगा। और अगर आपने देख भी लिया होगा कि 20 से 30 किलोमीटर के बीच ही वाली रेंज में आपका सेंटर आया है, तो आप एग्जाम दो अच्छे से। अब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे होना है वो चीज़ बता देता हूँ, एग्जाम की टिप्स ले लो मुझसे। तो देखो एग्जाम देते टाइम आपके पास आएंगे 3 सेक्शन। पहला सेक्शन होगा जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, दूसरा सेक्शन होगा उसमें 15 आएंगे, और तीसरा सेक्शन जो होगा उसके अंदर आएंगे आपके 20 क्वेश्चन। यस, इतने क्वेश्चन आते हैं। पहला वाला जो होता है शायद 1 नंबर का होता है, दूसरा वाला शायद 2 नंबर का होता है, और तीसरा वाला 2 या 3 अलग अलग वेरी करता है उसके अंदर। और जो फाइनली आपका जो है 100 नंबर का पूरा एग्जाम लिया जाता है ऑनलाइन, फिर उसका हाफ करके वो 50% निकालते हैं। अब अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके 10 नंबर आने चाहिए आउट ऑफ 25 असाइनमेंट के अंदर, 30 नंबर आने चाहिए आउट ऑफ 75 ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी ऑल ओवर 40 नंबर अगर आपको मिल गए तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ओके। तो असाइनमेंट पे इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको। इसके असाइनमेंट बढ़िया गए ना, कैसे भी करके आपने गूगल देखा होगा, कुछ भी किया होगा, असाइनमेंट के जो नंबर होते हैं वो अपने पास होते हैं, अपने पास होते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि आपकी जो 25% है वो आप खुद पूरी की पूरी ला सकते हो। जो स्टूडेंट ने असाइनमेंट अच्छे से किए होंगे, कैसे भी किए हो, तो उसको क्या होता है एलाइट मिल सकता है, ठीक है, और हो सकता है उसको सिल्वर मिल जाए, और कईयों को तो गोल्ड भी मिल जाता है क्योंकि उनका ऑनलाइन का पेपर बहुत ही अच्छा चला जाता है। अब ऑनलाइन के लिए क्या प्रिपेयर करें सर, हमारे पास तो 2-3 दिन है, या मुश्किल से 5 दिन बचे या 10 दिन बचे, तो वो अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो मेरे एग्जाम के एक्सपीरियंस में क्या हुआ, मैंने एक दिन पहले स्टार्ट करे असाइनमेंट्स को पढ़ना, जितने जैसे मेरा 12 वीक का था तो 12 वीक में मेरे जितने भी असाइनमेंट थे उन सबको मैंने बारी बारी करके पढ़ा, उनके लॉजिक्स को पढ़ा, और बिलीव मी गाइस उसमें से मतलब 80% क्वेश्चंस एग्जाम ऑनलाइन में आ गए। डैट इज वाई मेरे इतने 84% जावा में मिले और पाइथन में 76% मिले, ठीक है। एक बात और बताता हूँ, जितने भी असाइनमेंट है आपके, जैसे इस 2021 चल रहा है तो 2021 के जितने भी आपने असाइनमेंट किए उनके सॉल्यूशन निकाल लो पीडीएफ में और उनको पढ़ना स्टार्ट करो। देखो एजिटी आ जाता है कई बार, और कई बार क्या होता है आपका ऐसा हो जाता है कि मतलब वैल्यूज को चेंज कर देंगे वो, लेकिन कॉन्टेंट वो का वही रहता है, लॉजिक वो का वही रहता है, तो इसलिए असाइनमेंट इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको जैसे लग रहा है कि आपके पास टाइम बच रहा है तो 2020 के जो असाइनमेंट थे, ठीक है, आज से 6 महीने पहले वाले, तो वो असाइनमेंट भी एक बार आप देख लो, ज़्यादा फर्क नहीं होता है वैसे तो इनके असाइनमेंट में, 2-4 क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप पढ़ लोगे ना तो आपको गोल्ड मिल सकता है, सिल्वर भी मिल सकता है, तो ये सब आपके ऊपर है, बस आपको क्या करना है केवल असाइनमेंट को पढ़ना है। आपका जो फर्स्ट सेक्शन जो आप दोगे उसमें आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेकंड दोगे उसमें मिल जाएंगे, जो आपका सेक्शन नंबर 3 होता है ना वो थोड़ा सा टफ होता है, उसमें कई बार असाइनमेंट के क्वेश्चन मैच नहीं करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम कर जाते हैं। ये क्या होता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। जावा में मेरे को मिले भाई साहब, पाइथन में मेरे को मिला,
डिटो मिले चीजें और मैंने सोल्व भी करी और उनके लॉजिक्स को भी समझा। लेकिन कई बार क्या होता है, पेपर बहुत ही टफ आ जाता है, ठीक है, आप कर ही नहीं पाते हो। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 58% मिले, लेकिन आप नीचे देखोगे यहाँ पे 247 स्टूडेंट्स को यहाँ पर सर्टिफिकेट मिला है। इससे आप समझ पा रहे हो कि पेपर का लेवल कितना टफ जा चुका था। इवन मैंने असाइनमेंट भी पढ़े, 2021 के पढ़े, 2020 के पढ़े, लेकिन क्वेश्चंस मैच नहीं करे, क्योंकि इन्होंने क्या करा, क्वेश्चंस तो लगभग वही दिए, लॉजिक मैंने पढ़े, लेकिन क्या हुआ, आने पर उन्होंने वैल्यू ही चेंज कर दी, पूरा क्वेश्चन पूरी तरह से चेंज हो गया, तो पूरा लॉजिक नहीं बैठ पाया और नंबर कम आ गए। लेकिन फाइनली अपन को 3 credit तो इसमें मिल गए। अपन को क्या चाहिए था, 18 credit चाहिए था, वो क्रेडिट मिल गया। अब मैं अपनी डिग्री में लगाऊंगा तो वहाँ पर डिग्री की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास अगर आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं पढ़ना है सर, तो क्या करो, आप वीडियो देख लो, अभी आपके पास टाइम है। लेकिन टाइम नहीं है तो मैं सीधा बोलूँगा, अगर आपको नंबर चाहिए ना तो असाइनमेंट को देख लो बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2020 और 2021 के असाइनमेंट देख लो, डेट्स ऑल। पासिंग नंबर भी मिल जाएगी आपको, इसका बेनिफिट बहुत है यार। एडमिटल का आपको पता ही होगा कि 3 credit मिलते हैं 12 week वाले को, 2 credit मिलते हैं 8 week वाले को, ठीक है, और ये क्रेडिट खा जाते हैं आपके एग्जाम, जो आप बीटेक कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो आपके जो एग्जाम में है वो एक्स्ट्रा क्रेडिट वहाँ पर आपकी डिग्री में एड होता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी बैक लगी हुई है तो वो भी क्लियर कर देता है यार, समझ रहे हो, मतलब आपकी बैक को क्लियर कर देता है अगर आपने NPTEL का एग्जाम दे रखा हो। और दूसरी बेनिफिशियल बात यहाँ पर ये है गाइस, कि आपको IIT का सर्टिफिकेट मिल रहा है। किसका मिल रहा है, IIT का। IIT की स्टडी कर सकते हो आप घर बैठे बैठे, IIT में जो पढ़ा रहे हैं वो की वही वीडियो है। आप AI उठा के देखो, ML उठा के देखो, Python उठा के देखो, ठीक है, Java उठा के देखो, HTML CSS जो उठा के देखना है देखो, आपको IIT लेवल वाला कॉन्टेंट मिल रहा है। और क्या लोगे यार, मतलब आप बिना IIT करे भी IIT से चीजें सीख सकते हो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को गवाना नहीं है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्रेडिट भी मिल रहे हैं, परसेंटेज भी मिल रही है, और सर्टिफिकेट भी मिल रहा है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में वैलिड है, ठीक है। कोचिंग में करते हो ना आप सर्टिफिकेट, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन NPTEL का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी एक्चुअल में बहुत बड़ी वाली वैल्यू है। इसलिए मैं इतना जोर डाल रहा हूँ NPTEL एग्जाम पर, इसलिए आप अच्छे से करके आओगे, आई थिंक आप बहुत ही अच्छे से करके आने वाले हो। अब अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आस्क फ्रीली, बिना प्रॉब्लम के पूछ लो कमेंट में, मैं रिप्लाई करूंगा, बिलीव में मैं रिप्लाई करूंगा आप सभी को, आपके जितने भी डाउट है, ठीक है। तो अब मैं आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट आपको समझना बहुत ज़रूरी था, तो ये सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है, क्रेडिट लेना बहुत ज़रूरी है, परसेंटेज मिल जाएगी, असाइनमेंट पढ़ लो और कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ओके, सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।